हेलो भाई, मैं अरुण पवार। ये जो आप सीन देख रहे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि थ्री व्हीलर के टायर ऊपर की तरफ हैं, ये इसका हाल किया है क्या सेल्टोस ने। अब इस व्हीकल को बहुत जगहों पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कोई इसको टेम्पो बुलाता है, कोई थ्री व्हीलर बुलाता है, कोई आप बुलाता है, मतलब बहुत सारे नाम है इसके। तो इसका जो हाल किया है वो किया है इस सेल्टोस के HTX वेरियंट ने, जो कि यहाँ पे आपको टॉप वेरियंट मिलता है टेकलाइन में। तो उसका आप यहाँ पे डैमेज देखेंगे, तो इसी एक्सीडेंट को आज वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे साथ शेयर करिए ओम प्रकाश भाई ने। वो बताते हैं कि राजस्थान जोधपुर का एक्सीडेंट है जैसलमेर हाईवे का, 25 अगस्त 2020 को ये शाम के 6 बजे हुआ था बम्बोर विलेज में, जिसमें वो बताते हैं क्या सेल्टोस के ड्राइवर को माइनर इंजरीज हुई, वहीं जो ये थ्री व्हीलर का ड्राइवर था वो सेफ था, और क्या कि गाड़ियों में टॉप मॉडल्स में तो आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हर बंदा अंदर घुस घुस के देखते हैं तो वो 10 इंच कितनी बड़ी स्क्रीन ही आ जाती है। जब एयरबैग्स खुल जाते हैं तो वो थोड़ा खतरनाक सा एक्सीडेंट लगने लग जाता है, और कई मामलों में देखा जाता है कि हाई स्पीड जब होती है कार की तभी एयरबैग्स खुलते हैं। तो वही सब देखने के लिए लोगों ने यहाँ पे भीड़ जमा कर रखी है। अभी ये आप रोड देख रहे हैं, जो ये डबल लेन रोड है, यानी कि बीच में कोई डिवाइडर वगैरह नहीं है, तो ये शायद से ओवरटेक करने की वजह से हुआ होगा एक्सीडेंट। इनमें से एक सा व्हीकल ओवरटेक कर रहा होगा, जिसकी वजह से दोनों व्हीकल आमने सामने से भिड़ गए। और ये थ्री व्हीलर्स का तो वैसे बैलेंस सत्ता नहीं है, ये तुरंत की तुरंत वहीं पर गिर गया होगा, और क्या सेल्टोस वहाँ पर साइड में गड्ढे में जा गिरी। यहाँ पे क्या सेल्टोस बिल्कुल नहीं थी, आप देखेंगे तो पन्नी भी इसकी नहीं उतरी थी। अब दोनों ही क्या सेल्टोस और इस टेम्पो की आपके सामने बिल्ड क्वालिटी है, आप कमेंट्स में जाके खुद जज करें कि आपको कैसी लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी इस एक्सीडेंट को पूरे को देखकर। बाकी थोड़ा सा पेशेंस रखें, अगर कोई सवारी आगे से निकल रही है डिप्पर मार रहे है तो उसको निकल जाने दें। थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में यहाँ पे नहीं किया सेल्टोस में नुकसान हो गया। और खासकर जो ये टेम्पो वाले होते हैं ये अपने शौक के लिए नहीं चलाते, इनको मजबूरी होती है, इनकी रोजी रोटी यही होती है, और यही इनका डैमेज हो गया, तो इनका दर्द तो गाड़ी वाले से भी ऊपर है। तो सेफली ड्राइव करें, थैंक यू सो मच।